गट ओके एनएप कैप्सूल जो कि बनाई जाती है मैनकाइंड फार्मा प्राइवेट लिमिटेड की दवाई बनाई जाती है। इसके अंदर कंटेंट की बात करें तो प्री एंड प्रोबायोटिक्स कैप्सूल रहती है। ये 10 कैप्सूल का पूरा स्ट्रिप रहता है जिसका एमआरपी 120 रुपीज़ रहती है। ये कैप्सूल जो कि यूज़ होती है बहुत सारे केसेस में, जैसे कि ये ट्रीटमेंट करता है डायरिया का ट्रीटमेंट करता है और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का ये ट्रीटमेंट करता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करेगा, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का और इसका सब्सिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि आपको इस कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो कोई भी मेडिसिन या कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। गट ओके एनएप कैप्सूल जो कि बनाई जाती है मैनकाइंड फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। इसके अंदर जो कंटेंट है वो प्री एंड प्रोबायोटिक्स कैप्सूल्स है और ये 10 कैप्सूल का पूरा स्ट्रिप रहता है जिसका एमआरपी 120 रुपये रहता है। ये कैप्सूल जो कि इसके अंदर कंटेंट की बात करें तो 3.4 बिलियन स्पोसिस ऑफ प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स रहता है। प्रोबायोटिक्स एक जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है जो कि गुड हेल्थ के लिए रहता है इंसान के लिए, और ये कंज्यूम किया जाता है एडुकेट क्वान्टिटी। इससे क्या होता है कि मल्टी स्पेसीज प्रोबायोटिक्स जो कि हेल्प करता है और इम्प्रूव करता है ओवरऑल फंक्शनिंग्स को। प्रोबायोटिक्स क्या करता है कि ये फूड्स के साथ मूवमेंट करता है स्मूथली और गट का और ट्रीटमेंट करता है डाइजेस्टिंग डिसऑर्डर का ये ट्रीटमेंट करता है, जैसे कि इरिटेबल बबल सिंड्रम्स, इन्फेक्शन, डायरिया, एंटीबायोटिक्स रिलेटेड डायरिया और ट्रेवल्स डायरिया और इंफ्लामेशन बबल डिशीज में इसको यूज़ किया जाता है। तो गट ओके एनएप कैप्सूल्स जो कि लेने से क्या होता है कि प्रिवेंट होता है और ट्रीटमेंट होता है डायरिया का और अदर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का ये ट्रीटमेंट करता है। ये मेंटेन करके रखता है हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को और प्रॉपर बबल्स मूवमेंट को कम करता है। तो ऐसे काम करती है कैप्सूल। तो इस कैप्सूल के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पर पूछ सकते हो। चैनल पर और वीडियो पर पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।